The second property is your optical rotation. ऑप्टिकल रोटेशन समझने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इफ यू सी ओवर हेयर, और हमको पता भी है कि जो ऑर्डनरी लाइट होती है, ऑर्डनरी लाइट कैन वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन. कैन नहीं, उसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती है ना. जो हमारी ऑर्डनरी लाइट बनी होती है ना, दैट कैन यू नो वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन. अगर उस ऑर्डनरी लाइट को मैं किसी पोलैरिमीटर में से पास करूं, फॉर एग्जांपल निकोल प्रिज्म, ठीक है, तो क्या होगा, वो एवरी साइड जो हर डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन होगी, वो कट होके सिर्फ एक डायरेक्शन में से, मतलब जो लाइट उसमें से पास होके बाहर निकलेगी, दैट लाइट कैन नाउ वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन. अगर मैं सब डायरेक्शंस को काट के, सब डायरेक्शंस को एक तरह से रिमूव करके जो वाइब्रेशन है, एक प्रिज्म में से पास करके सिर्फ एक वाइब्रेशन को, एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन को अलाउ कर दूं, दैट लाइट इज नाउ कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. दिस इज माय ऑर्डिनरी लाइट. आफ्टर इट हैज पास थ्रू माय निकोल प्रिज्म, उसकी बाकी अनवांटेड डायरेक्शन की वाइब्रेशन कट हो जाएगी, सिर्फ एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन उसमें बचेगी, एंड दैट लाइट विल नाउ बिकम अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो प्लेन पोलराइज लाइट इज अ बीम ऑफ लाइट हैविंग ऑसिलेशन इन ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन में उसकी ऑसिलेशन प्रेजेंट. दिस प्लेन पोलराइज लाइट, अगर हम कुछ कंपाउंड्स में से पास करते हैं, दोज कंपाउंड्स हैव द अबिलिटी टू रोटेट दिस प्लेन पोलराइज लाइट. अब हमें प्लेन पोलराइज लाइट हमने जनरेट की, हमें पता है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी लाइट वाइब्रेट, मेरी लाइट वेव वाइब्रेट कर रही. कुछ कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से अगर मैं इस तरह की लाइट को पास करती हूँ, तो वो इस लाइट को रोटेट कर देती है, इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन को रोटेट कर देती है. सो द कंपाउंड्स विच हैव द अबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, दे आर बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव. वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव. नॉट ऑल कंपाउंड्स कैन शो, और नॉट ऑल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. कुछ स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं विच कैन और विच हैव द अबिलिटी टू यू नो रोटेट द प्लेन ऑफ अ पोलराइज लाइट. सो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं. अब मेरे पास ये प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर इसकी रोटेशन में किसी लेमैन को भी कहूँ, फॉरगेट अबाउट द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, मैं आपको कहती हूँ कि प्लेन पोलराइज लाइट कैन रोटेट, मतलब कुछ कंपाउंड्स में से उसको पास करोगे तो उसको रोटेट कर देते. अब रोटेट इधर क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही कंडीशंस बनती है ना. तो दो तरह के सब्सटेंसेस हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे रोटेट योर प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लाइट राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो द सब्सटेंसेस विच कैन टर्न द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट, जो उसको टुवर्ड्स राइट मूव कर देंगे, अगर ये मेरी डायरेक्शन थी यू नो वाइब्रेशन ऑफ माई लाइट वेव, अगर वो टूवर्ड्स राइट मूव कर रही है, फ्रॉम हेयर इट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड और क्लॉकवाइज, तो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोल देते हैं, और प्लस साइन के साथ डेजिग्नेट करते हैं, और स्मॉल डी. सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट माई प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, दे आर कॉल्ड द लीवोरोटेटरी, नेगेटिव साइन से डेजिग्नेट करते हैं, और स्मॉल एल. ठीक है बच्चे. ये जो मेरी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, दिस कैन बी मेजर्ड इफ आई मेजर द स्पेसिफिक रोटेशन. अब स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रोटेशन इन द डिग्री, किस डिग्री में मेरी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है. व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू 1 डेसीमीटर, हमने स्पेसिफाई कर देनी है सारी कंडीशन, 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर क्यूबिट में, एक पर्टिकुलर वायल में मैंने अपना सोल्यूशन लिया, जिसको मैंने जो ऑप्टिकली एक्टिव था, उस वायल की जो लेंथ है, एज माई लाइट इज पासिंग फ्रॉम दिस साइड टू इधर, इस साइड मेरी लाइट प्लेन पोलराइज थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन थी, ये जो डिस्टेंस है
ऑफ द सोल्यूशन थ्रू विच माई लाइट हैज टू ट्रेवल, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर मैंने फिक्स कर दिया. एंड द कंसेंट्रेशन इन विच माई सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन दिस वायर, इट इज 1 ग्राम पर एटम. इतनी कंडीशंस मैंने फिक्स कर दी, अब किस डायरेक्शन में और कितने डिग्री ऑफ रोटेशन वो शो कर रही है, इधर यू नो डेक्स्ट्रो और लीवो, इट डजेंट मैटर कितनी डिग्री ऑफ रोटेशन वो शो कर रही है, दैट इज माय स्पेसिफिक रोटेशन. फिक्स क्या किया मैंने, सॉल्यूशन कितनी लेंथ ऑफ सॉल्यूशन में से मेरी लाइट पास करेगी और क्या कंसंट्रेशन थी मेरी यू नो सॉल्यूशन की, जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन. सो मैथमेटिकली इफ आई शो कि स्पेसिफिक रोटेशन किस तरह से मेजर करते हो, यू डेजिग्नेट योर ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय अल्फा. सो अल्फा एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट यूजिंग अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय the length of the solution through which your light is getting passed multiplied by the concentration of the solution which is present in that wire. ठीक है बच्चे, ये alpha observed is the degrees, कितनी rotation है आपकी, ये alpha observed वो आप value put करोगे, L आपने fix कर दिया है 1 decimeter, वो value put करोगे, C आपको पता है आपकी क्या कंसेंट्रेशन है लिक्विड सॉल्यूशन की, वो वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर अल्फा टी. ठीक है बच्चे, नाउ इट इज क्लियर दैट माय एंगल ऑफ रोटेशन किस किस पे डिपेंडेंट होगा, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मेरा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, क्या उसकी नेचर है, सेकेंड किस टेम्परेचर पे मेरी मेजरमेंट हो रही है, किस वेवलेंथ पे मेरा लाइट सोर्स है उस पर डिपेंडेंट होगी, क्या कंसेंट्रेशन है मेरे सॉल्यूशन की, क्या नेचर है मेरे सॉल्वेंट की, दिस प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट. ऑप्टिकल रोटेशन आपके लिक्विड सैंपल्स भी शो कर सकते हैं और सॉलिड सैंपल्स भी शो कर सकते हैं. लिक्विड्स को तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो कि उसकी क्या ऑप्टिकल रोटेशन है, सॉलिड्स की मेजरमेंट के लिए आपको उसको पहले डिजॉल्व करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, आफ्टर दैट यू विल मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन. सो द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जब भी आप नोट करते हो आपकी स्पेसिफिक रोटेशन, आपको साथ में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या सॉल्वेंट आपने यूज किया. ठीक है बच्चे, किस सॉल्वेंट में आप मेजरमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेजरिंग द ऑप्टिकल रोटेशन इन वॉटर, तो यू विल राइट डाउन वॉटर ओवर हियर. ठीक है राजे, नेक्स्ट वॉट इज द लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच योर प्लेन पोलराइज लाइट इज पासिंग, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ पाथ वी हैव फिक्स्ड टू 10 सेंटीमीटर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी जिस पे डिपेंडेंट होगी मेरी स्पेसिफिक रोटेशन. एंड स्पेसिफिक रोटेशन गिव्स अस यू नो इट गिव्स अस द इंडिकेशन कि क्या ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी है मेरे सैंपल. सो हमने बात की कि हर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करता, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर द डिसिमेट्रिक और द कायरल मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल में डिसिमेट्री होनी बहुत ज़रूरी है और द कायरल सेंटर होना बहुत ज़रूरी है इफ दैट मॉलिक्यूल हैज टू यू नो शो ऑप्टिकल रोटेशन एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज, ये अपनी मिरर इमेज पे कभी सुपर इम्पोज नहीं होता, एंड इट डज नॉट हैव और पोजेस एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं. अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड, हियर यू कैन सी ओवर हियर दिस सेंटर कार्बन, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है. So this is my chiral carbon. Chiral carbon is one which is attached with 4 different groups. ठीक है, चार वेलेंसी होती है तो ये चार बॉन्ड्स बना सकता है, चारों के चारों ग्रुप्स जो उसके साथ अटैच्ड है वो दे आर डिफरेंट. एंड इफ आई मेक द मिरर इमेज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, यू विल सी अगर मैं इस चीज को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगी, इट विल नॉट सुपर इम्पोज. ये मॉलिक्यूल, ये ग्रुप मेरा सुपर इम्पोज हो रहा है, COH मेरा सुपर इम्पोज हो रहा है, बट OH एंड H इज नॉट सुपर इम्पोजिंग ऑन द मिरर इमेज.
ठीक है. सो लैक्टिक एसिड इज माई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड विल शो ऑप्टिकल रोटेशन. ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज इट मस्ट हैव अ कायरल सेंटर इन इट. ठीक है. एंड इट मस्ट, और यू कैन से इट मस्ट बी डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टार्टरिक एसिड. इफ आई सी ओवर हेयर टार्टरिक एसिड में आई हैव टू कायरल सेंटर्स, मेरे पास टू कायरल कार्बन है. दिस कार्बन इज ऑल्सो हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स, दिस कार्बन इज ऑल्सो हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स. लैक्टिक एसिड के इफ आई से आई हैव फोर डिफरेंट आइसोमर्स, उसमें से टू आइसोमर्स जो होंगे दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, अदर टू विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. वाई? बिकॉज If you look over here, the first isomer of tartaric acid, यहाँ पे इसकी अगर मैं mirror image बनाती हूँ, which is nothing but this tartaric acid, the second tartaric acid, it is non-superimposable. वो एक दूसरे पे superimpose नहीं हो रही है ना, because the OH and the H group is opposite inside. अगर मैं ये third isomer की बात करूँ, here the molecule, this is my chiral molecule, this is my chiral carbon. बट मॉलिक्यूल के अंदर खुद प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इफ आई कट द मॉलिक्यूल ओवर हेयर, अगर मैं यहां से मॉलिक्यूल को कट करती हूं तो ये पोर्शन इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन दिस पोर्शन. इफ आई सिंपली फोल्ड दीज टू पोर्शन, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है. तो ऑल दो द मॉलिक्यूल इज हैविंग टू कायरल सेंटर्स, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दीज टू, मतलब एक कायरल कार्बन की जो ऑप्टिकल रोटेशन, इट इज गेटिंग कैंसल्ड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सेकेंड कायरल. सो दीज टाइप्स ऑफ आइसोमर, दीज आर कॉल्ड मीजो आइसोमर्स एंड दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को हम कह देते हैं इनैंशियोमर्स. इनको हम इनैंशियोमर्स कह देते हैं. इनैंशियोमर्स आर दोज आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर ऑप्टिकली एक्टिव. सो फ्रॉम दिस वी कैन यू नो समराइज दैट एक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होना जरूरी है. सेकेंड, उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इन द सेम मॉलिक्यूल देर शुड नॉट बी एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओनली देन टू मिरर इमेजेस विल नॉट सुपरइम्पोज ऑन वन अनदर. सो मेजरमेंट बहुत सिंपल है ऑप्टिकल एक्टिविटी की. यू मेजर इट यूजिंग अ पोलारिमीटर. यू आर हैविंग अ सोर्स ऑफ लाइट. फर्स्ट द प्रिंसिपल, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन, जब किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट पास करती है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट गेट्स रोटेटेड टू अ सर्टेन एंगल. वो रोटेशन हमने आइडेंटिफाई कर. दिस इज माई सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट में अब लाइट की हर डायरेक्शन में आपकी वाइब्रेशन होगी, ऑसिलेशन होगी. फर्स्ट यू हैव टू पास इट थ्रू अ पोलराइजर, फॉर एग्जांपल द निकोल प्रिज्म, जो बेसिकली आपकी लाइट की लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा. उसको आप सैंपल में से पास करोगे. लिक्विड सैंपल डायरेक्टली डाल सकते हो, यहाँ पे सॉलिड है उसको किसी ना किसी सॉल्वेंट में डाल के फिर डालोगे आप सैंपल असेंबली. And you will simply detect कि किस direction में, either to the right side or to the left side, your plane polarized light is getting. Simple वही construction है, working है. You have the lamp, the sodium lamp, light है, Nicol prism में से pass की, plane polarized light थी. अब यहाँ पे you can see it has rotated your light to the left. So you have to rotate your analyzer or the Nicol prism जो आपकी बिफोर यू सी द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज गेटिंग रोटेटेड, आपको वो डायल मूव करना पड़ेगा जो आपके प्रिज्म को मूव करता है. क्योंकि प्रिज्म में से लाइट जब पास करती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट को ही अलाउ करते हैं. ये दोनों प्रिज्म इनिशियली सेम डायरेक्शन में आपने रखे थे. दिस प्रिज्म जो आपका पोलराइजर था जिसने प्लेन पोलराइज लाइट जनरेट की थी, एंड दिस प्रिज्म यू हैव प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन इनिशियली जब कोई सैंपल नहीं था. तो आपकी जो लाइट सोर्स में से जा रही थी वो आपके आई तक पहुंच रही थी. जैसे ही आपने सैंपल ऐड किया, जो ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल था उसने उसको रोटेट कर दिया. नाउ जब तक आप इस वाले प्रिज्म को रोटेट नहीं करोगे, आपकी वो प्लेन पोलराइज लाइट आपकी आई तक पहुंचेगी नहीं. अब जिस डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करोगे, यू कैन आइडेंटिफाई कि वो लीवो है कि डेक्स्ट्रो है.
सेकेंड आप कितने डिग्री ऑफ रोटेशन आप शो कर रहे हो, दैट बाय सिंपली पुटिंग इट इन टू द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट कि क्या आपकी ऑप्टिकल रोटेशन है और ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एप्लीकेशन. You can determine the optical activity of the compound, you can identify the compound, you can check the purity and you can check ki kya concentration mein aapka solute present hai in your solution.